राजकुमार राव की फर्स्ट वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। तीन तक गिनूंगा। ये सीरीज एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कि बेस है 90s और 80s में। ये सीरीज भी मिर्जापुर के जैसे ही सिमिलर है, बस इसके अंदर कॉमेडी और क्लासिक टच दिया हुआ है। सीरीज की स्टार्टिंग होती है बाबू टाइगर के मर्डर से, जो कि राजकुमार राव का बाप है। सीरीज का पूरा प्लॉट मिर्जापुर की तरह है, उसी की तरह इसमें भी दो सिटीज है जिनमें आपस में गैंग वॉर होती है। पहली है गुलाबगंज और दूसरी है शिवपुर। गुलाबगंज के बाहुबली दिखाए गए हैं गांजी, जो कि एक तरह से कालीन भैया का रोल कर रहे हैं। उनको प्ले किया है सतीश कौशिक ने। मिर्जापुर की तरह इनका भी एक छोटा बेटा होता है, छोटा गांजी, जो कि सही मायने में विशुद्ध चूतिया आदमी होता है। और इनका भी सेम अफीम का बिजनेस होता है, जिसको ज्वाइन कर लेते हैं राजकुमार राव। और इनके कैरेक्टर का नाम होता है पाना टीपू। अब वो पाना टीपू नाम कैसे पड़ा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप सीरीज में खुद देखना। अगेन मिर्जापुर की तरह ही पाना टीपू भी इनके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उनके इस बार रीजंस अलग होते हैं और उनके करने के तरीके अलग होते हैं। और उन सब के बीच में जो राजकुमार की कॉमेडी और क्लासिक म्यूजिक इस सब के बीच यूज किया गया, मतलब पूरी सीरीज आपको इंगेज कर देगी उस चीज में। और इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए नार्को टैक्स डिपार्टमेंट से एक इंस्पेक्टर हायर होते हैं अर्जुन, जो इन सब पे पाबंदी लगाते हैं। अब अर्जुन का कैरेक्टर स्टार्टिंग में जितना सिंपल लग रहा होता है उतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है ये एकदम होनेस्ट इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि इस क्राइम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन इनकी अपनी अलग गेम चल रही होती है और ये सब इन सब के ऊपर जाके कुछ ऐसा करते हैं जो सीरीज के अंदर एक अलग ही ट्विस्ट लेके आ जाती है। इन सब के बीच में तीन बच्चों की स्टोरी भी दिखाई है, जो उसमें फ्रेंडशिप और उनके प्यार वगैरह को लेके सीरीज चलती है। सीरीज में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं एक पॉइंट पे जाके वो वर्थ इट लगती है। मेरे हिसाब से अगर उन तीन बच्चों का जो रोल था या फिर जितनी भी वो स्टोरी लाइन थी उसको अगर सीरीज से कट भी कर देते तो सीरीज पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और सीरीज की जो लेंथ है वो भी कम हो जाती। इसी के साथ राजकुमार राव के अगेंस्ट कास्ट की गई चंद्रलेखा का कैरेक्टर भी मेरे को कुछ ज्यादा वर्धित नहीं लगता, क्योंकि उसका कोई मेन इम्पैक्ट ही सीरीज के अंदर नहीं होता। और उसके बाद उसकी जो साइकोलॉजी थी उस लड़की की वो भी मेरे ऊपर से चलेगी, वो समझ में ही नहीं आती। पूरी सीरीज के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो था चारकट आत्माराम। ये बंदा शेरपुर के लिए काम करता है, मतलब शेरपुर से जो भी ऑर्डर आएंगे, जिसका भी कत्ल वगैरह कुछ करना है, वो सब काम ये बंदा देखता है। और इसका कत्ल करने का जो स्टाइल था वो भी काफी यूनिक था। किसी भी आदमी को मारने से पहले उसके अंदर ये चार चाकू मारता था और उसकी आत्मा को तृप्त करता था। ऊपर से इसको सात वरदान और थे कि ये मौत को टक से छूके वापस आ जाएगा। ओवरऑल सीरीज को देखा जाए तो पूरी सीरीज एक एंटरटेनिंग सीरीज है, जो आपको अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराएगी। सीरीज के अंदर सात एपिसोड है जिनकी लेंथ 45 के अप्रोक्स है, यानी कि इस सीरीज को पूरा देखने के लिए आपको लगभग 6 घंटे का टाइम इस सीरीज को देना होगा। सीरीज के स्टार्टिंग के दो एपिसोड काफी इंपैक्टफुल एपिसोड है, जिनको देखकर आप इस सीरीज से बन जाओगे, लेकिन उसके बाद ये सीरीज अपनी पकड़ धीरे धीरे कम करने लगती है। और 7th एपिसोड 1.5 घंटे का एपिसोड है, लेकिन वो एपिसोड में पूरी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स भर रखे हैं और साथ में पोस्ट क्रेडिट भी है, तो उनको मिस मत करना। लास्ट एपिसोड के अंदर एक चीज मेरे को थोड़ी नोइंग लगी, आत्माराम के कैरेक्टर के अंदर कुछ दिखाया है जो मैं पर्सनली हजम नहीं कर पाया, तो उस चीज को आप देख के कमेंट में मुझे बताना कि वो चीज ठीक थी या नहीं। बस अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गो वॉच।